दोस्तों अगर आप विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला शुरू हुआ दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। दोस्तों इस मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम उतरी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 181 रन लगा दिए थे। ऐसे में बैंगलोर को लग रहा था ये लक्ष्य काफी बड़ा है दिल्ली के लिए, लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली की टीम शुरुआती ओवरों में ही बल्लेबाजी करने आई उसने सभी को हैरान कर रख दिया। डेविड वार्नर ने तो शुरुआत अच्छी दिलाई लेकिन उनके सामने फिल सार्ट ने ऐसी पारी खेली मानो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो अभी तक शांत बैठी थी साल आईपीएल में आज पूरा गुस्सा फिल सार्ट ने निकाल लिया। पावर प्ले में ही 70 रन लगा दिए दोनों ने मिलकर। ऐसा पावर प्ले आज तक नहीं देखने को मिला। आरसीबी के खिलाफ इन दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी तभी डेविड वार्नर की बड़ी विकेट मिली। हेजलवुड की गेंद पर नीचे डुप्लीसी को अपनी कैच देकर आउट हुए डेविड वार्नर। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में डेविड वार्नर 22 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों डेविड वार्नर के आउट होने के बाद भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि आए थे मिचेल मार्च और उनका साथ दे रहे थे सेट बल्लेबाज फिल सार्ट। दोनों के बीच में काफी बड़ी साझेदारी हो रही थी वो भी सिर्फ 22 गेंदों पर अर्धशतक की। दोस्तों आप सभी को बता दें तूफानी बल्लेबाजी करते फिल सार्ट ने मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उनका साथ दे रहे थे मिचेल मार्च 26 रन पर। तभी फिल सार्ट के सामने मिचेल मार्च हर्षल पटेल की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे लोमरोर को इस तरीके से कैच देकर, जिस गलती से मुकाबले में मिचेल मार्च 26 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए रायली रॉसो और इन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया। दिल्ली के पूरे बल्लेबाज ने जरा भी रुके नहीं मैदान पर, जरा भी वक्त नहीं लिया इस मुकाबले को खत्म करने के लिए। आते ही ताबड़तोड़ हर बल्लेबाज रन लगा रहा था। दोस्तों इस मुकाबले में फिल सार्ट ने अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों उनका साथ दे रहे थे रायली रॉसो और लगभग पूरा मुकाबला समाप्ति हो गया 18वें ओवर तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए और दिल्ली को एक आसान रन चेस में जीत मिली। दोस्तों आरसीबी की गेंदबाजी काफी ज्यादा कमजोर रही। फिल सार्ट की 80 रनों की पारी काफी भारी पड़ी आरसीबी के ऊपर, लेकिन दोस्तों आप आरसीबी की हार को 10वें नंबर देंगे हमें कौन बताएं। दोस्तों अगर आप विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया। दोस्तों आईपीएल 2023 का ये 50वां मुकाबला था। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर के खिलाफ ऑफ डुप्लीसी ने टॉस जीता फिरोज शाह कोटला के स्टेडियम में और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लीसी ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। 10वें ओवर तक तो कोई भी विकेट नहीं गिरी। विराट कोहली और फैफ डुप्लीसी के बीच में तूफानी 80 रनों की साझेदारी हो गई और पहले 10 ओवर आरसीबी के नाम रहे, लेकिन 10वें ओवर के बाद 11वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्च। आते ही फैफ डुप्लीसी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे खड़े अक्षर पटेल को कैच दे बैठे। मिचेल मार्च के ओवर की तीसरी ही गेंद पर आउट हुए फैफ डुप्लीसी कप्तान 45 रन बनाकर 32 गेंदों का सामना करते हुए तीसरे नंबर पर रनों की गति को आगे बढ़ाने के लिए भेजा आरसीबी ने मैक्सवेल को, लेकिन अगली ही गेंद पर ये भी आते ही अपने बल्ले का एच दे बैठे। पीछे फिल सार्ट कीपर ने शानदार कैच लपक ली, बड़ा झटका लगा आरसीबी की टीम को, बड़ी विकेट मिली दिल्ली कैपिटल्स को। मैक्सवेल 0 रन बनाकर आउट हुए। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी एक ही भी ओवर में 2 विकेट खोकर परेशानी में आ चुकी है, लेकिन इस परेशानी को कम किया विराट कोहली की बल्लेबाजी ने और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे महिपल लुमरोर। दोस्तों लुमरोर अलग ही लय में नजर आए जहां इन्होंने शुरुआती 15 गेंदों पर ही अपने 30 से ज्यादा रन ठोक दिए। उनके साथ विराट कोहली ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और मात्र 40 गेंदों पर ही अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। 15वें ओवर के बाद 130 के पार चली गई आरसीबी की। 200 लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली और लुमरोर बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होने के बाद अर्धशतक लगाकर इस तरीके से मुकेश कुमार की गेंद पर अपने बल्ले का एज से बैठे विराट कोहली, पीछे खलील अहमद ने शानदार कैच लपक ली। एक अच्छी इनिंग खेलकर 55 रन बनाकर 46 गेंदों का सामना करते विराट कोहली आउट हुए, लेकिन आज के मुकाबले के स्टार बल्लेबाज निकले महिपल लुमरोर और उनका साथ देने आए विराट कोहली के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक। दोस्तों लुमरोर ने इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की, बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले में अर्धशतक लगा दिया। जी हां दोस्तों 25 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इनकी पारी के बदौलत ही आरसीबी की टीम के पास रन काफी तेजी से आ रहे थे। दोस्तों उनका साथ दे रहे थे दिनेश कार्तिक, लेकिन ये भी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद की बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े डेविड वार्नर के हाथों में मार बैठे गेंद, एक और बार फिनिश नहीं कर पाए दिनेश कार्तिक इनिंग को। 11 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते दिनेश कार्तिक आउट हुए। दोस्तों इनके बाद आए अनुज रावत, इन्होंने 3 गेंदों पर 8 रन लगाए और महिपल लुमरोर ने अंतिम गेंद तक बल्लेबाजी की, 54 रन लगाए 29 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों के साथ 181 रन बना चुकी है आरसीबी की टीम 4 विकेट के नुकसान पर और दिल्ली को ये मुकाबला जीतने के लिए 182 रन लगाने हैं। लेकिन दोस्तों विराट कोहली की बल्लेबाजी